हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानधारा हरसोली में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पीटीटी कॉलेज आवंटन प्रक्रिया के विषय में। दोस्तों, पीटीटी 2019 का रजल्ट आज 30 मई 2019 को जारी हो चुका है। अब इसके पश्चात यदि आपके 280 प्लस अंक हैं तो आपको कॉलेज मिलने की पूरे चांस हैं। कॉलेज मिलने के बाद आपको जो समस्या का सामना करना पड़ेगा उसकी चर्चा हम आज के वीडियो में कर रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत से विद्यार्थियों के कमेंट्स आते हैं कि सर, क्या हम यदि कॉलेज में फ़ीस भर दें तो क्या उसके बाद क्या वो फ़ीस वापस हो सकती है? और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि क्या कोई कॉलेज आवंटन हो गया और किसी कारण से हम उस कॉलेज में फ़ीस भर देते हैं, इसके पश्चात कोई ऐसा कारण होता है कि हम उस कॉलेज को बदलना चाहते हैं, तो बहुत से विद्यार्थियों के कमेंट आते हैं कि क्या हम कौन सी प्रक्रिया है जिसके तहत हम कॉलेज को बदल सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विस्तार से इसी विषय पर चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान करते हैं और प्रत्येक आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने का हम पूरा कोशिश करते हैं। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपके प्रत्येक कमेंट्स का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, अब हम चलते हैं, हमारे जो पहला बिंदु है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है फीस का। तो आपको क्लियर कर दें कि हमारी जो फीस है वो दो प्रकार से भरी जाती है। इसमें सबसे पहले तो जब हम काउंसलिंग कराते हैं तो हमसे 5,000 रुपये जो काउंसलिंग फ़ीस डीडी के रूप में जो जाती है, तो वो काउंसलिंग फ़ीस यदि हम काउंसलिंग करा लेते हैं और कॉलेज नहीं ज्वाइन करते या कॉलेज फ़ीस नहीं भरते हैं तो हमारी जो एक काउंसलिंग फ़ीस है वो वापस हो जाती है। लेकिन इसके वापस होने के जो नियम है हम उनको भी बता देते हैं। आपको इसके वापस पुनर्भरण के लिए ई मित्र से एक फॉर्म भरना पड़ता है। इस फॉर्म के भरने के बाद में लगभग 5-6 महीने के पश्चात चेक के माध्यम से यह काउंसलिंग फ़ीस आपकी वापस होती है। तो ये बात तो है काउंसलिंग फ़ीस की। अब हम बात कर लेते हैं कॉलेज फ़ीस की। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कॉलेज फ़ीस जो लगभग 22-23 हज़ार के बीच में होती है, यदि आप काउंसलिंग के पश्चात जब आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाता है और इसके पश्चात आप यदि कॉलेज फ़ीस भर देते हैं तो वो कॉलेज फ़ीस वापस मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए जब भी आप काउंसलिंग कराएं, जब आपका कॉलेज का आवंटन हो जाए तो फीस बहुत ही सोच समझकर भरें, क्योंकि यदि आपने इस कॉलेज फ़ीस को एक बार भर दिया तो यह फ़ीस आपकी वापस किसी भी सूरत में नहीं होगी। तो इसलिए आपको क्लियर कर देते हैं कि कॉलेज फ़ीस आप जब भी भरें अच्छी तरह से सोच समझ कर भरें। आपको यदि किसी प्रकार के कॉलेज चूज करने में परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट्स के द्वारा कह सकते हैं, हम आपकी प्रत्येक समस्या के समाधान का प्रयास करेंगे। मित्रों, अब हम चर्चा करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। बहुत से विद्यार्थियों कमेंट्स आते हैं कि सर, कॉलेज आवंटन हो गया और हमने कॉलेज में फ़ीस भी भर दी है, क्या इसके पश्चात हम अब कॉलेज चेंज कर सकते हैं? तो आपकी इस समस्या के लिए बता देते हैं कि हाँ, कुछ परिस्थितियों में हम कॉलेज चेंज कर सकते हैं। यदि आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको कॉलेज चेंज का ऑप्शन विकल्प मिल सकता है। ये कब करना होगा आपको बता देते हैं। फर्स्ट काउंसलिंग के बाद जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाए और आप उस कॉलेज में रिपोर्टिंग भी करा दें, तो इसके पश्चात आपको कोई ऐसा कारण हो कि वहाँ उस कॉलेज में या तो आवागमन के साधनों का अभाव हो या फिर कोई और दुर्गम परिस्थिति आपके लिए बन जाए और आप कॉलेज बदलना चाहते हैं, तो इसके लिए मित्रों आपको क्या करना होगा कि जब सेकंड काउंसलिंग का टाइम आए तब सेकंड काउंसलिंग में आपको ई मित्र से कॉलेज चेंज का इससे पहले एक फॉर्म निकलता है, तो आपको कॉलेज चेंज का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। इसके पश्चात जब सेकंड काउंसलिंग में आए तब आप अपनी जो चॉइस की आपने 10 कॉलेज भरे थे उनमें पहला चॉइस का तो आप आवंटन में ले चुके, अब उसको छोड़ करके सेकेंड प्रियोरिटी में आप किसी भी कॉलेज को चूज कर सकते, बशर्ते कि वहाँ जिस कॉलेज को आप चूज कर रहे हो आपसे अधिक प्राप्तांक का कोई बच्चा नहीं होना चाहिए। यदि किसी विद्यार्थी के आपसे अधिक प्राप्तांक हैं तो उस कॉलेज में पहले उसका आवंटन होगा और इसके पश्चात यदि सीट वैकेंट रहती है तो ही इसके पश्चात आपको कॉलेज मिल पाएगा। तो ये आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है कि आप जिस चॉइस का कॉलेज लेना चाहते हैं उस चॉइस के कॉलेज में सीट वैकेंट
है या नहीं। अब के बार वैसे भी ये समस्या होने वाली नहीं है, क्योंकि अब के बार पीटीटी की लगभग चांसेस हैं कि सीटें खाली रहने ही वाली है। इसलिए आपके निम्नतम मार्क्स में भी अब के बार अनुमान आ रहा है कि 220 अंकों तक वालों को भी कॉलेज आवंटन हो जाएगा। यदि आपके 400-450 प्लस मार्क्स हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाएगा। ये 100% आपके चांस हैं गवर्नमेंट कॉलेज मिलने। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपकी जो दो समस्या थी, उन दोनों समस्याओं को समाधान करने का हमने प्रयास किया। फिर भी आपकी कोई किसी प्रकार की क्वेरी है तो आप कमेंट्स करके हमें बताएं, कमेंट में हम आपका रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, आप हमारे पीछे जो डिस्क्रिप्शन में जाकर के हमारे द्वारा BSTC और PTT से संबंधित समस्त प्रकार की वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा आप ऊपर जो आई बटन है वहाँ पर भी क्लिक करके, जो बार बार आ रहे हैं, आप हमारे BSTC और PTT से संबंधित वीडियोज देख सकते हैं। इसके अलावा एंड स्क्रीन में चार प्रकार की वीडियो हमारी दिखाई देंगी, वहाँ से जाकर भी आप हमारी अन्य STC और PTT संबंधित वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम लेकर आएंगे PTT BST संबंधित कुछ और समस्याओं को। नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए ज्ञानधारा हर्षोली चैनल को और बेल आइकन को दबाइए, ताकि लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोज आपको सबसे पहले